तो इस तरीके से ये दूसरे गांव में जाते हैं, एक गांव से नदी पार करके। ये बाइक इन्होंने चढ़ा दी अंदर और सीधे नाप से जाएंगे दूसरे गांव, उस सामने वहाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम आए हैं आगरा के प्राचीन मंदिर शनिदेव मंदिर, अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। आज संडे और संडे के दिन बहुत कम भीड़ आई है, भीड़ है ही नहीं, हम ही अकेले हैं। तो ये वो जगह है, यहाँ दीपक जलाए जाते हैं शनिवार को। और ये त्रिशूल कितना बड़ा है, और ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। शनिवार के दिन यहाँ पर लाइन लगी रहती है, बने हुए ना, इनके अंदर लाइन लगी रहती है बहुत सारी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत भक्त आते हैं। और ये कितना बड़ा घंटा है। तो ये है शनिदेव की मूर्ति प्राचीन, जो काफी सालों से वहां पे स्थित है। जय हो शनिदेव की। तो ये एरिया यमुना जी का मंदिर के पीछे का, तो लोग जाने के लिए दूसरे गांव में इस्तेमाल करते हैं इस नाव का, रस्सी बंधी हुई है पास में, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ जाने के लिए दूसरे गांव में। और कुछ ही टाइम बाद ये पुल स्टार्ट हो जाएगा। जो पिलर देख रहे हो ना आप दूर से, वो पिलर देख रहे हो, कुछ दिन बाद ये स्टार्ट हो। तो इस तरीके से ये दूसरे गांव में जाते हैं, एक गांव से नदी पार करके। ये बाइक इन्होंने चढ़ा दी अंदर और सीधे नाप से जाएंगे दूसरे गांव, उस सामने वहाँ। ये गई नाव, नाव गई यमुना पार करने के लिए। ये कुछ ही दिनों का है, उसके बाद ये पुल स्टार्ट हो जाएगा। सामने जो आप पिलर देख रहे हो, और ये दूसरे किनारे पे भी पहुंच गई ना नाव। नाव को खींचने के लिए ना इसी रस्सी का इस्तेमाल होता है इसका, और ये रस्सी बहुत मजबूत है। इस ओर उधर बंधी हुई है और इस ओर एक पेड़ से बंधी है मजबूती से, और अभी से नहीं काफी सालों से बंधी हुई है लगातार, इसी रस्सी का इस्तेमाल होता है। बहुत टाइट रस्सी है, दो ये रस्सी पूरी आ रही है वहाँ पर। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो का करते हैं एंड, हमने शनिदेव के दर्शन कर लिए हैं अच्छे से, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।